हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज फिर एक हेल्थ रिलेटेड जानकारी लेके आई हूँ। मैंने पहले एक वीडियो बनाया है कि खून की कमी को कैसे दूर करें। खून की कमी को दूर करने के लिए जो वीडियो बनाया है उसको पूरा देखें आप। और मैं आज जो जानकारी देने वाली हूँ उसी से रिलेटेड है कि खून की कमी होने के बाद या खून की कमी का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे में खून की कमी आई है, तो कौन कौन से सिम्टम्स है, साइन है, वो सब के बारे में बताऊंगी। तो आई होप आप ये जानकारी पूरा सुन के और इससे बहुत कुछ समझ पाएंगे और आप हेल्थ जो है वो अच्छी रह पाएगी और खून की कमी को आप दूर कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं बात करूंगी सबसे पहले कि अगर खून की कमी है हमारे शरीर में तो क्या होगा। तो खून की कमी में होगी तो हमारे सबसे पहले इम्यूनिटी कम होगी, हम बार बार बीमार होंगे, जुकाम होगा तो बार बार होगा, सर दर्द होगा तो बार बार होगा, जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स बार बार होगी या वो प्रॉब्लम जल्दी जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। कुछ भी एलर्जी है वगैरह हो तो वो जल्दी अफेक्ट करेगी आपको या हमें, जिसको भी है। उसके अलावा हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखें तो फिर क्या होगा। तो देखें तो फिर थकान रहेगी, नींद में डिस्टरबेंस आएगा, या तो ज़्यादा आएगी या कम आएगी या आएगी नहीं, चिड़चिड़ापन रहेगा, चक्कर आने शुरू हो सकते हैं, कहीं भी गए थोड़ी सी धूप लगी चक्कर आके नीचे गिर गए ये वो। दूसरा मस्कुलर मसल्स में जो है नाड़ियों में वगैरह में उसमें क्या होगी, वो भी स्टिफ जल्दी होगी, सूनापन होगा, उसमें अकड़न आएगी, वो कुल मिला के वीक हो जाएगी। तीसरा क्या होगा, रेस्पिरेटरी देखें तो रेस्पिरेटरी में देखें तो सांस फूलने लगेगा, थोड़ा सा भी चला तो सांस फूल गया, इवन वो उसके चलने की श्रद्धा भी नहीं रहेगी, जिसको ताकत नहीं रहेगी उसको, और छोटी छोटी सांसें भरेंगी, जरूरत पड़ेगी बार बार मुंह से सांस लेने की या छोटी छोटी सांसें लेने की, मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने की अंदर जरूरत रहेगी, क्योंकि खून है वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है। चौथा पेट के बारे में, तो स्टूल का कलर, लेटरिंग भी वो कब्जी होगी, कभी दस्त लगेगी, वो भी जो पेट है वो भी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, छोटी आँख बड़ी आँख ढंग से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि खून की कमी है तो एनर्जी प्रोडक्शन सही नहीं होगा, एनर्जी सही नहीं मिलेगी तो छोटी आंत हो बड़ी आंत हो या शरीर पर करना सही काम नहीं करेगा। आंखें देखें तो पीली पड़ जाएगी, और उसमें कई बार क्या होता है कि पीली भी पड़ती है, उसके नज़र भी कम, ज़्यादा टाइम तक खून की कमी रहेगी तो आईसाइट भी वीक हो सकती है, क्योंकि वहाँ की नसें कमजोर होगी तो जोर देना पड़ेगा, जिससे वजह से सर दर्द भी हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है ज़्यादा समय रहा तो। छठा दिल पे, हार्ट पे क्या काम करेगी, हार्ट रेट है वो बदल जाएगी, कम होगी ज़्यादा होगी, पेन भी हो सकता है, और बहुत ही सालों तक अगर खून की कमी रहे तो हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। सातवां चमड़ी पे या स्किन पे वो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो पीली पड़ने के लगेगी, येलोइश दिखेगी, ठंडी पड़ेगी, ठंड मतलब ठंडी हो जाएगी, लाल लीमा जो है वो कम हो जाएगी, उसकी पिंकिश स्किन है वो वाइटिश दिखने लग जाएगी। आठवां स्प्लीन, स्प्लीन क्या है कि स्प्लीन भी एनलार्ज होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, हर ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो सकता है खून की कमी की वजह से, क्योंकि एनर्जी तो हर ऑर्गन में चाहिए और तो वो एक्स्ट्रा काम करेगा उस एनर्जी को पाने के लिए। इम्यूनिटी को इन सब के साथ ही इम्यूनिटी वीक होना का संकेत यही है कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है पुरानी वो वापस आएगी और बार बार होगी, जल्दी जल्दी होगी, भूख बहुत कम लगेगी, खाने का मन नहीं होगा, सांस फूलेगा, ये सब जो कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स से भी हम अपने आप को पहले जान जाएं कि हमें कुछ दिक्कत है, तो हम खून की जांच तो हम खुद भी पैथोलॉजी लैब से करवा सकते हैं, और फिर खून की कमी को दूर करने के लिए जो गाजर, चुकंदर, पालक, ये चीज़ें हम टमाटर वगैरह शामिल करके और खाने पीने का ध्यान रख के, हम जैसे तला फला अवॉइड करा या फिर जो भी उसके लिए अलग से वीडियो है मेरे खून बढ़ाने के लिए, क्या क्या खाना चाहिए उसको दूर करने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए, एनीमिया को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इससे
खून की कमी वजह से जो औरतें हैं लड़कियां हैं उनमें पीरियड में भी दिक्कत आ जाती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, ये बालों का झड़ना वगैरह, ये सब छोटी मोटी कई सारे नाखून ब्रिटल होने लगते हैं, या जीभ भी देखे तो उसमें भी लालिमा खत्म रहेगी, सफ़ेद सफ़ेद उसमें परत चढ़ी रहेगी या पीली परत चढ़ी रहेगी, सर दर्द हो रहा है तो बार बार रोज जाना लगभग हो ही रहा है, मतलब ठीक होने का कुछ है ही नहीं। तो ये सब जो है सिम्टम्स है उसके लिए आप खून अगर कम है आ रहा है तो, और खून की कमी महसूस हो रही तो अपने एनर्जी को उसको बढ़ाएं, ताकत वाली चीज़ें लें, सैलेड वगैरह सब ये चीज़ें लें, विटामिन सी लें, आंवला वगैरह लें, दोपहर के टाइम जो एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा होता है विटामिन सी जरूर लें। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के और साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, उसकी वजह ख़त्म करें कि लीवर की वजह से खून की कमी आ रही है वगैरह, वो तो डॉक्टर को ही पता चलेगा, अपनी डिटेल पूरी अच्छे से बताएं, उसके कारण का निवारण होम्योपैथिक चिकित्सा से ही होगा। होम्योपैथिक चिकित्सा आप लें और उसे अपनाएं और खाने पीने का ध्यान रखें। इसी के साथ ही आपकी हेल्दी और हैप्पी लाइफ के कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल में अभी भी आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस पूरी पूरी देखें।